हेलो किसान भाइयों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लाजमा की खेती कैसे की जाती है उसकी जानकारी आपको विस्तार से बताऊंगा। आप देख सकते हैं, ये देखो लाजमा की दमदार खेती। इसमें देखो फूल फल बन गए हैं और कलियां भी बन गई हैं। दमदार खेती है, आप देख सकते हैं। ऐसी आप खेती करते हैं तो आपको अत्यधिक लाभ हो। आइए किसान भाइयों, आपको राजमा की जो खेती की जाती है उसकी संपूर्ण जानकारी आपको देता हूं। तो राजमा की खेती कैसे की जाती है और उसकी बुआई किस तरह से किया जाता है, तो उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस फसल को बोने से पहले किन किन खनिज लवणों को डालकर बुआई की जाती है और क्या क्या इसमें प्रक्रियाएँ की जाती हैं, उसके बारे में चर्चा करूँगा। तो आइए इसकी बुआई की संपूर्ण जानकारी देता हूँ। यदि किसान भाई अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली नई वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँचे। आइए राजमा की खेती के विषय में जानें। इसकी बुआई करने के लिए हमारे किसान भाइयों को अपने खेत की कल्टीवेटर से 2 या 3 बार जुताई करवा देनी चाहिए और उसके बाद कम से कम एक या दो बार रोटावेटर से भी जुताई करवा देनी चाहिए, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति और भुरभुरापन बन जाए। यदि आपको अच्छी उपज लेनी है तो आपको अच्छी व्यवस्था के साथ आपको खेत की तैयारी करनी होगी, तो आपको अच्छी उपज मिल जाएगी। बात करें राजमा के पौधे की जड़ों का विकास, तो यदि आपकी खेत में बढ़िया भुरभुरापन, आपके खेत में अच्छी नमी है, तो जब आप बीज जो भी बीज आप डालेंगे तो अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा और जिसके कारण पौधे की ग्रोथ करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। यदि आपके खेत में अच्छी जुताई आपने करवा दिया है, अच्छा भुरभुरी मिट्टी पौधे को मिल जाती है, तो अच्छी तरह से उसकी जड़ों का विकास होगा और वह अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। अब बात करें बुआई की, तो 1 एकड़ में राजमा की बोने के लिए आपको 28 से 30 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें राजमा की बुआई की, तो इसकी बुआई 15 अक्टूबर से 5 नवंबर के मध्य इसकी बुआई अच्छी पैदावार के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। यदि हमारे किसान भाई सही समय पर इसकी बुआई कर देते हैं तो उनको अत्यधिक लाभ मिलेगा। हमारे किसान भाइयों को राजमा की खेती लाइनों में हमेशा करवानी चाहिए। यदि आप लाइनों में करते हैं तो आपको अच्छी उपज मिलेगी। अब बात करें लाइनों से लाइनों की कितनी दूरी होनी चाहिए, तो लाइनों से लाइनों की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, जिससे पौधा जो भी ग्रोथ करे या फैलाव ले तो एक दूसरे में सट ना होने पाए, अच्छी तरह से ग्रोथ करे। और आप देख सकते हैं लाइनों में हमारे किसान भाई ने करवा रखी है। अब हमारे किसान भाई ये भी जान लें पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 10 से 12 सेंटीमीटर पर इसकी बुआई करनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और हमारे किसान भाई यह भी जान लें कि इस फसल की बुआई कितने इंच की दूर गहराई पर करनी चाहिए, तो आप ये भी जान लें हमारे किसान भाई, राजमा की जो बुआई होती है 8 से 10 इंच की गहराई पर मिट्टी में करनी चाहिए, जिससे बीजों को भरपूर खनिज लवण मिल सके और आपकी फसल लहलाती हुई अच्छी तरह से ग्रोथ करे, जिससे आपको अत्यधिक उपज मिले। हमारा मानना है यदि हमारे किसान भाई हमारी दी गई जानकारी से आप खेती करते हैं तो आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा, हमारा वादा है। हमारे किसान भाई ने जैसे ही हमको जानकारी दी तो हमने सोचा आप लोगों को जानकारी दूं। आप भी लाल राजमा की खेती करें और आप भी अच्छा पैसा कमाएं। हमारा एकमात्र यही लक्ष्य है, हम किसान भाइयों को सटीक जानकारी देंगे और किसान के माध्यम से आपको जानकारी दिलाएंगे कैसे की जाती है खेती। किसान भाइयों, यदि हमारी दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे नई आने वाली वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँच सके और उसकी जानकारी आप पा सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।